निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों की रकम को ढाई गुना किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले साल में 159% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा किए तो उसके आज 2,59,000 रुपए हैं। अभी तक हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही डिफेंस फंड हुआ करता था, वो था HDFC का डिफेंस फंड, जो कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड था। कि आपने इस फंड में पैसा लगाया, और अगर लगाया तो आज आपके निवेश की क्या वैल्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने देश का पहला निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च किया, और अब आदित्य बिरला सनलाइफ ने भी अपना निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय में आप बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी इसी तरीके का फंड लॉन्च करते हुए देखेंगे। मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से डिफेंस सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश किए, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। सरकार डिफेंस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। अप्रैल 2023 तक डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली 369 कंपनीज को 606 इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस इशू किए गए। जहां एक समय में हमारा देश ज्यादातर डिफेंस से जुड़े सामान को इंपोर्ट किया करता था, वहीं आज हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वर्ष 2024 में 20,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार की नीतियों और सार्थक पहल की वजह से देश की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और जिससे निवेशकों को भी लाभ हो रहा है। आज देश में 194 डिफेंस टेक स्टार्टअप्स हैं जो देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स 19 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था, और इसकी जो बेस डेट है वो 2 अप्रैल 2018 की है, जब इसके इंडेक्स की वैल्यू 1000 थी। इस इंडेक्स में टोटल 15 स्टॉक्स हैं, और उस 15 स्टॉक में भी देखा जाए तो जो टॉप 3 स्टॉक्स है उनका अकेले का वेट इस इंडेक्स में 51% का है। और वो टॉप 3 स्टॉक हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज। क्या आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है कमेंट करके बताइएगा। ये जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और इसका बेटा भी निफ्टी 50 के मुकाबले में हायर साइड पर है। इस इंडेक्स की वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो उसका पीई रेशियो जो है वो अभी 66.25 है, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 17.82 है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं उनमें अगर आप निवेश करने के बारे में सोचते हो, सिर्फ एक एक स्टॉक अगर आप लेते हैं तो आपको 22,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। लेकिन आदित्य बिरला सनलाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को आप सिर्फ 500 रुपए लमसम या SIP से शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 500 रुपए का भी लमसम निवेश करते हैं, इकट्ठा निवेश करते हैं, तो आपके पास इन जो 15 स्टॉक्स हैं उनमें सब में आपको एलोकेशन मिल जाएगी। तो है ना ये बढ़िया बात। यहां पर आप सरलता के साथ डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके के जो फंड्स होते हैं बेसिकली वो हर किसी के लिए नहीं होते हैं। ये फंड उनके लिए सुटेबल होते हैं जिनका एक काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड है, और वो एक अलोकेशन डिफेंस सेक्टर की तरफ लेना चाहते हैं। ये फंड्स जो है वो उन लोगों के लिए भी सुटेबल है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, या जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, उन लोगों को इस तरीके के फंड में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फंड है। टॉप 3 स्टॉक्स के अंदर ही 51% वेट है, यानी कि आपका पैसा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो एक ही सेक्टर की तरफ। तो जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप तरीके के फंड ले सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी आपको डिफेंस के स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर फंड्स और थेमेटिक फंड्स में आम निवेशकों को या जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए। हालांकि सरकार का फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी बहुत ज्यादा है, जो कि आपको इस बार के बजट में दिखाई भी पड़ा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम होती है वो डिफेंस के मुकाबले ज्यादा ब्रॉड होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फंड्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको डिफेंस के स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।